वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। ओके, 10.1 स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। पेज नंबर 427 पर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। हमको एक डिस्प्लेसमेंट जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, क्या दिया हुआ, 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो आपको पता चल गया डायरेक्शन करना है, इट मीन हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया। अब इस चीज पर फोकस करिएगा, क्या बोला हुआ, वेस्ट ऑफ साउथ। ओके, तो वेस्ट ऑफ साउथ यानी वेस्ट ऑफ साउथ बस हमको क्या करना, बड़ा ले लेना पोर्शन और बाकी दो डायरेक्शन को छोटा कर देना। तो देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा वेस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आपने बना लिया। इसके बाद क्या बोला था, 30 डिग्री क्या है, वेस्ट ऑफ साउथ। सो साउथ से क्या करिएगा बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में एंगल बना दीजिएगा 30 डिग्री साउथ से। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमने ओपी, ओ फिक्स पॉइंट हो गया और ये वेरिएबल पी पॉइंट। तो ओपी आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट, ये 40 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया था, सेम क्वेश्चन था, बस बोला गया 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है। ओके, डायरेक्शन क्या दिया, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसमें क्या, ईस्ट ऑफ नॉर्थ यानी हमको ईस्ट और नॉर्थ को क्या करना है, बड़ा करना। तो देख लीजिए, डायरेक्शन बना लिया, ईस्ट और नॉर्थ को बड़ा लिया हुआ। ओके, फिर किसके साथ एंगल, नॉर्थ, लास्ट में नॉर्थ लिखा, तो नॉर्थ के साथ एंगल बनाइएगा। ओके, और इसको ओ, इसको पी। तो इस तरीके से ये आपका ओपी क्या हो गया, 40 किलोमीटर रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। नंबर टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.1 जो इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, बहुत ही इजी, लेकिन आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछते इससे, बहुत जनरली कभी पूछे। क्वेश्चन नंबर टू बोला गया, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर। आपको ये क्वांटिटी दिए हैं, बोला हुआ स्केलर और वेक्टर करिए, ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, 10 kg आपको मालूम मास है, तो मास आपको ये देख लीजिए, स्केलर्स मैंने अलग लिख दिया, जिनको और क्लियर ना हो तो स्केलर्स में जो क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। तो देख लीजिए, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, डिस्टेंस, टाइम, वर्क डन, एंगल, पावर, चार्ज, स्पीड, ईटीसी, ये सभी स्केलर्स में आते हैं। वैक्टर ये सारी चीज़ें लिए जो आपकी बुक में, इसके अलावा बुक में कोई बाहर नहीं दिया है, तो आप ये भी याद कर लेंगे, जिनको नहीं समझ में आता तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। वैक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, मोमेंटम, वेट। एग्जाम्पल टू भी देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, 10 kg आपका क्या हो जाएगा, स्केलर मास है, 2 meter नॉर्थ वेस्ट की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही तो वेक्टर हो गया, 40 degree एंगल की बात हो रही तो स्केलर हो गया, 40 watt पावर की बात हो रही है तो आपका स्केलर हो गया, 10^-19 कूलम चार्ज है तो स्केलर हो गया, 20 m/s² एक्सलेशन हो गया तो आपका वेक्टर हो गया। तो हमने लिख दिया है, सेकेंड एंड सिक्स विल बी वैक्टर्स, हाईलाइट भी कर दिया। ओके, रेड रेड से, और बाकी रिमेनिंग आपके वेक्टर्स हो जाएंगे। देन नंबर थ्री, क्लासिफ सेम क्वेश्चन है, स्केलर वेक्टर बताना, अभी यूनिट में लिखा था, आप डिनोट कर दिया यूनिट क्या क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो मैंने हाईलाइट कर दिया, फोर्स, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, रिमेनिंग स्केलर क्वांटिटी। देन क्वेश्चन नंबर फोर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ये एक तरीके का फिगर दिया हुआ बच्चों, एग्जांपल भी देख लीजिएगा, सेम एग्जांपल दिया इसके जैसे। हमको कोइनिशियल, इक्वल और कोलिनियर बट नॉट इक्वल ये बताना है। तो कोइनिशियल आपको क्या बताया था, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम। तो यहां देख लीजिए इस फिगर में बच्चों, आप एक ये पॉइंट है, यहीं से वेक्टर डी जा रहा है, यहीं से वेक्टर ए जा रहा है, और कहीं पर भी इनका सेम इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ए और डी वेक्टर क्या हो गए, को इनिशियल। और इक्वल वेक्टर बच्चों क्या बताया था आपको, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो। ओके, तो देख लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल तो है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी इक्वल वेक्टर नहीं हुए। अब डी और बी की चेक करें, तो ये देख लीजिए बच्चों, मैग्नीट्यूड भी सेम है बराबर और डायरेक्शन भी एक ही है, तो ऐसे वेक्टर क्या होंगे, इक्वल। देन कोलिनियर की बात, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर होने चाहिए, यानी पैरेलल हो सकते हैं, एक ही लाइन में हो सकते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है वो कोलिनियर है, पैरेलल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल नहीं है। ओके, चलिए बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।